पालन पोषण आइडिया वीडियो जन्म से 3 साल के बच्चों की माताओं के लिए। आज की मीटिंग में आई हुई सभी माताओं का हार्दिक स्वागत है। आइए सभी माताएं बच्चों के साथ इकट्ठा बैठें। चलिए आज की मीटिंग की शुरुआत एक प्यारे गाने से करते हैं। ये गाना होने तक ये वीडियो यहाँ पॉज करते हैं। पिछले हफ्ते की मीटिंग की शुरुआत हमने एक प्यारे गाने से और एक मजेदार खेल से की थी। दिखाई गई गतिविधियों से बच्चा अपने दिमाग का इस्तेमाल कर अपने आसपास के व्यक्ति या चीजों को ढूंढना शुरू कैसे करता है यह देखा, तथा महिलाओं के अधिकार कौन कौन से हैं उसके बारे में जानकारी ली थी। आपने वीडियो में दी गई जानकारी समझी होगी तथा दिखाए हुए खेल बच्चों से करवाए होंगे। चलिए इन सभी के अनुभव यहाँ सबके साथ साझा करते हैं। ये गतिविधि होने तक ये वीडियो यहाँ पॉज करते हैं। हमारी इस गतिविधि का नाम है मिलकर कुछ करते हैं। माताओं को दो दो की जोड़ी में एक दूसरे के पीठ से पीठ सटाकर खड़ा करें। दोनों के पीठ के बीच में गुब्बारा रखें। अब हर जोड़ी को बिना गुब्बारा गिराए तय की गई रेखा तक पहुंचना है। जो जोड़ी बिना गुब्बारा गिराए सबसे पहले रेखा पार करेगी वो विजेता होगी। ये गतिविधि होने तक ये वीडियो यहाँ पॉज करते हैं। आशा है ये गतिविधि सभी माताओं ने आनंद के साथ की होगी। चलिए अब आगे की गतिविधि करते हैं, जिसका नाम है कुछ नया सीखते हैं। घायल होने या अचानक बीमार पड़ने पर आपातकालीन उपचार करना पड़ता है। डॉक्टरी इलाज से पहले किए जाने वाले इस उपचार को प्राथमिक उपचार या फर्स्ट एड कहते हैं। आइए जानते हैं कि स्कूल और घर के फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या होता है। चलो देखते हैं कि घरों और स्कूलों के फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या होता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसकी बोतल पर H2O2 लिखा होता है जो इसका रासायनिक नाम है। हाइड्रोजन परऑक्साइड घावों को साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डेटॉल, ये एक एंटीसेप्टिक द्रव है। डेटॉल का उपयोग घावों में संक्रमण या इन्फेक्शन रोकने के लिए किया जाता है। आयोडीन टिंक्चर या टिंक्चर ऑफ आयोडीन, यह भी एक एंटीसेप्टिक द्रव है। यह डेटॉल की जगह इस्तेमाल किया जाता है। पोविडोन आयोडीन पाउडर, यह भी एक एंटीसेप्टिक है मगर यह पाउडर होता है। यह छोटी मोटी खरोंचों और कटे के उपचार में इस्तेमाल किया जाता है। पोविडोन आयोडीन मरहम, यह एक एंटीसेप्टिक है। इसे सीधे घाव पर लगाया जाता है और फिर गॉज पीस से ढककर मरहम पट्टी कर दी जाती है। बर्नॉल, बर्नॉल एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल यानी जीवाणु रोधक है और यह पेस्ट या मरहम के रूप में आता है। यह छोटे मोटे जलने, छिलने और कटने के उपचार में काम आता है। इस जानकारी का फायदा आपको कैसे हो सकता है, सभी माताएं बारी बारी समूह में बताएं। ये गतिविधि होने तक ये वीडियो यहाँ पॉज करते हैं। चलिए अब आगे की गतिविधि करते हैं, जिसका नाम है घर जाके बच्चों के साथ करें। आइए सभी माताएं बच्चों के साथ इकट्ठा बैठें, इन खेलों को देखें और समझें। दिखाई गई गतिविधियों में बच्चे रिश्तेदारों, पड़ोसी, हम उम्र बच्चों के प्रति भावनाएं जताना सीखते हैं, उनके साथ घुल मिल कर रहना सीखते हैं। इस उम्र में बच्चे को परिचित लोगों से बातचीत करने पर उसके खुशी के भाव बढ़ने लगते हैं। इस उम्र में बच्चा हम उम्र बच्चों के साथ घुल मिल जाता है। इस उम्र में बच्चा समूह खेलों में भाग लेना पसंद करता है।
ये गतिविधि होने तक ये वीडियो यहाँ पॉज करते हैं। अगले सप्ताह की मीटिंग तक ये खेल अपने बच्चों के साथ कुछ समय निकालकर जरूर खेलें। आज की गतिविधि यहाँ पर समाप्त हो रही है। ऐसी ही और नई जानकारियों और गतिविधियों के साथ अगले हफ्ते फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अपना व बच्चों का ख्याल रखें। धन्यवाद।